मतलब क्लास 10 की क्या है, मैथ की क्लास है, ठीक है, मैथ है। और कौन से चैप्टर नंबर 4 की है, जिसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले थोड़े से ये जान लेते हैं कि आखिरकार द्विघात समीकरण क्या होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था द्विघात बहुपद, क्या पढ़ाए थे, द्विघात बहुपद पढ़ाया था, पढ़ाए थे द्विघात बहुपद की, बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद पढ़ा दिए थे और बताए थे बेटा कि द्विघात बहुपद में घात क्या होती है, घात इसकी दो होती है, क्या होती है, घात इसकी दो होती है, और क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। मैंने बताया था जिस बहुपद की घात दो होती है उसको ही क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक उसी तरह है द्विघात समीकरण, समीकरण आपको मैंने पढ़ाया है रैखिक समीकरण, उसकी घात एक थी, ठीक उसी तरह जिस तरह रैखिक समीकरण की घात एक थी, उसी तरह द्विघात समीकरण की घात दो है। क्यों, क्योंकि द्विघात बहुपद की घात दो थी, द्विघात समीकरण की घात दो होगी। लेकिन क्या था, द्विघात बहुपद में बराबर जीरो नहीं आता था, लेकिन द्विघात समीकरण में क्या होगा, द्विघात समीकरण में बराबर जीरो होगा, और अधिकतम घात इसकी क्या होगी, अधिकतम घात इसकी दो होगी, ठीक है। अगर घात दो है तब तो क्या है, द्विघात समीकरण है, अंतर द्विघात समीकरण नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हमें इसके द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को बताऊं, व्यापक रूप के बारे में बताऊं तो क्या है, इसका जो व्यापक रूप होता है वो बेटा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ऐसा। इसको बेटा द्विघात समीकरण की तुलना समीकरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे द्विघात समीकरण की तुलना समीकरण भी कहते हैं। बहुपद द्विघात बहुपद मैंने बताया था इसका तुलना समीकरण क्या है, द्विघात बहुपद बताया था कि तुलना बहुपद ये है, दो एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये बताए थे, जीरो नहीं था उसमें, ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बताया था, ये था। तो ये ध्यान रखिएगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है, और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है। द्विघात बहुपद में भी अधिकतम घात दो होती है, द्विघात समीकरण में भी घात दो होती है, लेकिन इसमें मैंने बताया था कि ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी ए का मान क्या ना हो, ए का मान कभी जीरो ना होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ए का मान जीरो हो जाएगा तो घात ही नहीं बचेगी दो, और जहाँ घात दो ना होगी, दो ना होगी अधिकतम घात, तो फिर द्विघात बहुपद नहीं होगा। सुन लो एक बार अच्छे से, घात अगर एक है, क्या घात अगर एक है और घात तीन है, चार है, पाँच है, तो द्विघात बहुपद नहीं है, ना द्विघात समीकरण है। अंतर क्या है द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद में बराबर में जीरो नहीं होता है, और द्विघात समीकरण में बराबर में जीरो होता है, ये दोनों में अंतर है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए, ये काम देगा आपको। और एक चीज़ और सुनिए अच्छे से, एक चीज़ और सुनिए, ये अगर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, क्या है पी व्यापक रूप है, तो क्या ये इसका व्यापक रूप है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर जीरो हुआ तो क्या, अगर जीरो हुआ तो फिर द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्या बचेगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा। और रैखिक थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अब आप डालिए क्या, प्रश्नावली 4.1 देखिए, इसमें पहला सवाल क्या दिया है, पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए, हमें क्या करना है, समीकरण दिए हैं उनके हमें क्या लिखना है, मानक रूप लिखना है, ठीक है। हमें दिए हैं तीन चार समीकरण, और तीनों चारों समीकरण में हमें क्या लिखना है, मानक रूप लिखना है, मतलब ये कहता है कि इस रूप में समीकरण को बनाइए। देखो मैं लिखता हूँ, एक तो दिया है 3x
प्लस दो एक्स स्क्वायर माइनस तीन बराबर जीरो, ये क्या है, ये अपना समीकरण दिया है। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें मानक रूप लिखना है। मानक रूप का मतलब ये होता है सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी, मतलब सीरियल से लिखना है। तो हेडिंग लिख दोगे मानक रूप, मानक रूप, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात देता है ये है दो एक्स स्क्वायर की, लिख दोगे दो एक्स स्क्वायर, फिर इससे छोटी घात क्या है इस तीन एक्स की, तो लिख दोगे तीन एक्स और ये माइनस का तीन, उसी तरह बराबर कर दोगे जीरो और ये क्या होगा, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये क्या है, मानक रूप हमने लिख दिया जैसा उसमें दिया था। फिर आया दूसरा सवाल दिया है, इसमें दूसरा क्या दिया है, चार एक्स स्क्वायर प्लस का पाँच एक्स बराबर एक, कहता है मानक रूप लिखो। सुनना ध्यान से बेटा, मानक रूप कैसे लिखेंगे हम इसका, ठीक है। मानक रूप देखो, ये एक इस बार उस तरफ दिया है, हमें इस तरफ लाना है। अब क्यों लाना है, क्योंकि बेटा देखो ये है ना इसका रूप, ठीक है, इसका इस रूप को बनाना है। जितने भी समीकरण आएंगे, अगर द्विघात समीकरण है तो इस रूप का होगा। अब एक चीज़ सुन लो, द्विघात में ये जरूर होगा, ये दोनों आए और चाहे न आए, लेकिन ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का आना जरूरी है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं आया तो फिर क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं आया अगर तो फिर सवाल क्या है, गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सवाल क्या है, गलत है, याद रखना है अच्छे से। अब इसको पहले लिखते हैं, चार एक्स स्क्वायर प्लस पाँच एक्स माइनस एक बराबर जीरो। बेटा मैं एक को इस तरफ लाया तो माइनस क्यों होगा, क्योंकि मैंने पीछे की क्लासों में बताया था कि बेटा बराबर के इस तरफ वाली चीज़ जब उस तरफ जाती है तो माइनस की हो जाती है, और इसीलिए क्या हुआ है, ये माइनस का हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नंबर तीन देखो क्या दिया है, नंबर तीन में दिया है दो वाई स्क्वायर प्लस सात बराबर तीन वाई। देखो इस बार वाई मतलब चर वाली संख्या उस तरफ दी है, और उस बार क्या था, अचर पद उस तरफ था, तो जैसे इस एक को इस तरफ लाए थे इसी तरह तीन एक्स को तीन वाई को लाओगे, यहाँ लिख दोगे मानक रूप, क्या लिख दोगे, मानक रूप लिख दोगे। मानक रूप में क्या है, टू वाई स्क्वायर इसी तरह ये आएगा इस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का तीन वाई, फिर लिख दोगे सात बराबर जीरो। और सर जी इस बार इस तरफ क्यों लिखे हैं, आगे पीछे कर दिए क्यों, देखो ध्यान से, पहले स्क्वायर वाली संख्या है, फिर बिना स्क्वायर वाली है, फिर अचर पद है, ठीक है, ए बी सी अचर पद है, ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ इसमें लिख भी सकते हो, जहाँ जहाँ ए बी कमा सी क्या है, अचर पद है, ठीक है, अचर पद में जाकर अचर संख्याएं है, मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर के, वो सभी हैं, ठीक है, याद रखे रहना है। ये हो गया, एक और दिया है उसको भी कर लेते हैं। चौथा नंबर में दिया है बेटा, चौथा ही तो किए थे ना, तीसरा कर दिए, चौथा करना है सात वाई स्क्वायर बराबर दो वाई माइनस का दो, ठीक है। देखो इस उस बार क्या था, खाली तीन वाई इस वाले में दिया था उस तरफ, इस वाले में एक दिया था, इस वाले में देखो दोनों दे दिया उसने, उन दोनों को दिया उस तरफ। मानक रूप डालो तो यह है मानक रूप, ठीक है, इसको लाओ यहाँ, पहले सात वाई स्क्वायर उसी तरह लिखोगे, क्योंकि पहले बड़ी घात फिर छोटी घात, इसलिए पहले सात वाई स्क्वायर उसी तरह लिख देंगे। दो वाई था इस तरफ आ गया माइनस होगा, माइनस का दो वाई इस तरफ, तो ये आएगा इस तरफ, तो ये का प्लस का, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है, मिलाते रहिएगा, यहाँ बराबर जीरो आएगा, ऐसे बराबर जीरो होगा, और ये क्या है, ये अपना अंतर है, मानक रूप है, इस तरह करना है, ठीक है, इस तरह करना है, ये सभी क्या है अंतर हो गया। ये चार सवाल मैंने कर दिए, अच्छे से देखना, एक तरफ से देखोगे सवाल बढ़िया आएंगे, भागा दौड़ करोगे, इधर उधर देखोगे नहीं आएगा भैया, अगर कोई बीच आया है। अब देखो दूसरा सवाल, देखो क्या दिया है आपकी किताब में, इसमें हमें क्या करना है, जाँच करना है, और जाँच कैसी करना है, जाँच हमें ये करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्या बेटा द्विघात समीकरण है या नहीं, ये बताना है हमें, यह चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो पहला सवाल देखो, इसमें क्या दिया है आपकी किताब में,
दिया है पहले एक्स प्लस एक का स्क्वायर बराबर दो एक्स माइनस तीन ऐसा दिया है। ठीक है, ध्यान से लो, मैं दो तीन सूत्र लिख रहा हूँ, उनको याद करने का काम देंगे। पहले आपको याद रखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखिएगा। फिर याद रखना ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ये याद रखना। इसी तरह ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए प्लस बी ए माइनस बी है, ये याद रखना। ये चार सूत्र आपको याद करना है। ठीक है, अगर और ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको भी बता दूंगा आपको। ठीक है, एक और याद कर लेना, एक याद कर लेना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए धन बी और ए ऋण बी, ये याद रखना। ये सूत्र आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो मैं आगे ये सवाल कराने वाला हूँ उनके लिए ये जरूरी है। ठीक है, अब देखो सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है हमारा x प्लस एक का होल स्क्वायर बराबर दो एक्स माइनस एक। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा सवाल आपको, एक तरफ से आएगा लेकिन करना क्या है एक तरफ से देखते चलना। जब एक तरफ से देखोगे प्रतिदिन देखोगे तभी आएगा, जब आप जाना और यदि आपको समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और क्या करना और अपने मित्रों को जरूर बताना इस क्लास के बारे में, चैनल के बारे में सबको बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ कि सर जो है आप लाइव भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो इस सवाल को लगाते कैसे करना है, देखो पहले ध्यान सुनो, यहाँ दिया है x प्लस एक, मतलब ये x की जगह a है प्लस एक की जगह b है और पोस्टर पर लगा है इस पर लगा है ऐसा है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो कौन सी मिल रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं है, लिख दो भैया इसका सूत्र क्या है, लिख दो। चूँकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी का स्क्वायर, ये कैसे जान रहा था, सुनो यहाँ पर स्क्वायर लगा था, कोष्टक था, कोष्टक में प्लस था और अगर बगल संख्या थी तब मैं ये सूत्र लिखा हूँ। अब हमें ए की जगह इस वाले में सेट करना है और ये इसका क्या है रूट है इस वाले का। ठीक है, ऐसा ए की जगह रखना है एक्स, तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर कोष्टक में रख करके जितनी जिसकी घात है वो घात लगा देंगे, प्लस कर दो लिख दो, ए की जगह क्या है ए की जगह फिर से एक्स है एक्स रख दो, बी की जगह क्या है एक है एक रख दो, प्लस फिर से बी का मान एक है एक का स्क्वायर कर दो, ये हुआ बेटा इस तरफ वाला बराबर लगा है, बढ़िया सा प्यारा सा बराबर लगा दो। ठीक है, इस दो का गुणा इससे करा दो और एक बार इससे करा दो, बेटा सुन लो जब कोष्टक लगे हों आपस में दो कोष्टक हो या एक कोष्टक हो, कोष्टक के बाहर संख्या हो चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, तो सबसे पहले क्या किया जाता है गुणा कराया जाता है, क्या गुणा कराया जाता है, ध्यान दिया है। अच्छा बेटा गुणा कराओ, दो का गुणा एक्स से करोगे तो बेटा सुन लो गुणा करने में घाते क्या होती है जुड़ जाती हैं, यहाँ जब कोई चर हो जैसे एक्स लिखा है तो एक्स के बगल में जब कुछ ना हो तो एक होता है और उसकी घात एक होती है। ठीक है, देखो तो दो का गुणा इस एक से होगा तो दो एकड़ में दो आएगा और ये एक्स है तो एक्स उसी तरह आ जाएगा ऐसा होता है। ठीक है, दो का गुणा तीन से करोगे तो यह छः आएगा और यह माइनस कैसे आएगा, यहाँ था प्लस, जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो तो प्लस होता है, तो प्लस का गुणा माइनस से करोगे माइनस आ जाएगा, दो तीन छः हो जाएगा, करेक्ट है इतना, ये लिखा नहीं जाता है ध्यान रखे रहना है आपको। ठीक है, आप सूत्र भी ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लगाओ लेकिन आना चाहिए जब। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले कि भैया ये कैसे है तो आना चाहिए। एक्स का स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर में इस दो का गुणा एक से कर दो, दो एक में दो और दो का गुणा एक्स करो दो एक्स, करेक्ट है। एक का बेटा इसका सुन लो, एक की घात क्या लगा है दो बराबर एक गुणे एक होगा, ऐसा ना करना
इस एक का गुणा इससे कर लो गलत हो गया, तो एक का गुणा एक से करोगे क्या आएगा, एक आएगा, एक लिख दो पर यहाँ था इस वाली संख्या को इस तरफ लाओ, क्यों मैंने बताया था बेटा कि बराबर में क्या रखना है, जीरो रखना है, कब जब द्विघात संख्या बताना है, द्विघात संख्या की पहचान क्या है, इस तरफ घात दो होगी और उस तरफ जीरो होगा, तो जीरो बताना है तो इन सबको इस तरफ लाएंगे जीरो बच जाएगा, तो दो एक्स उस तरफ आए, इस तरफ आएगा माइनस का दो एक्स होगा, छः आएगा यहाँ तो प्लस का छः हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जीरो, करेक्ट है बेटा, इतना कर लोगे, करते रहना और मुझे कमेंट में बताना कि सर कर लेते हैं आ जाएगा, जब अगर न आए बता देना मुझे, अगली वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से समझा के बताऊंगा। एक्स पर उसी तरह लिख दो बेटा, दो एक्स से दो एक्स को काट दो, क्यों काट दिए सर जी, अब सुनो, दो एक्स था प्लस का और दो एक्स था माइनस का, जब बेटा एक तरह की संख्याएं हो सेम टू सेम और एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो सीधे धक्का पेल काट दिया जाता है, ठीक है ध्यान रखना। बचा क्या, छः और एक सात, गिनती है, गिनती गिनती से जुड़ जाएगी, चिन्ह भी एक जैसे है, सुन लेना ध्यान से, अगर एक तरह के चिन्ह है तो जुड़ती है संख्या, अलग अलग चिन्ह तो घटती है संख्या, तो प्लस का था छः और प्लस का था एक, दोनों को जोड़ दिए तो क्या है सात आ गया, बराबर में क्या है जीरो है, तो सर जी अब आपका ये इस रूप का कहाँ है ये समीकरण, ए एक्स स्क्वायर ये इस रूप का कहाँ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, प्लस सी बराबर जीरो, तो सर जी अब ये कहाँ है आपको इस तरह का समीकरण, तो सुन लो बेटा न रहने दो, मैंने क्या बताया कि आप एक्स स्क्वायर को ध्यान देना, बाकी ये आए और चाहे ना आए बराबर जीरो हो, तो द्विघात समीकरण है, ठीक है, अगर उस तरफ जीरो है और इस तरफ घात दो है तो द्विघात है, भले बीच की संख्या और बाद की संख्या आए चाहे ना आए, तो ये क्या है लिख लोगे, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस सात बराबर जीरो की घात की अधिकतम घात, ऐसा लिखो अधिकतम घात, अधिकतम घात दो है, मैंने बताया अभी आपको पीछे शुरुआत में कि अगर घात दो होगी किसी समीकरण की तो क्या बेटा क्या वो द्विघात समीकरण होगा, लिख दो यहाँ, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है समीकरण, याद रखे रहोगे कि नहीं याद रख पाओगे, जैसा मैंने किया आपको सभी नहीं आया मुझे तो एक बार क्लास को दोबारा देखो, आएगा आएगा कहीं नहीं, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, सूत्र निकलेगा सूत्र काम लेंगे, ठीक है सूत्र काम लेंगे, लिख लो स्पीड के साथ फिर अगला देखा जाए जल्दी से, ठीक है करते रहो, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लो, जैसा लाइव में होता है ठीक उसी तरह है, ये थोड़ी सी क्या है थोड़ी से आप पूछ नहीं पाओगे ना मैं आपको दोबारा बता पाऊंगा ना किसी का नाम ले पाऊंगा, ये है लाइव में और रिकॉर्डिंग में ये अंतर होता है, बाकी सवाल उतना ही समझ में आएगा उतना लिखोगे पूरा वही रहेगा, कमेंट चाहो कमेंट कर पाओगे, लाइक चाहो लाइक कर पाओगे, सब दुनियादारी कर पाओगे लेकिन पूछ नहीं पाओगे, ठीक है अगला देखो क्या है दूसरा सवाल लिखते हैं, देखो भैया एक और दूसरा देखो क्या है, एक तरफ से देखते करना, ये ना सोचना कि सर जी बहुत देर लगा रहे हैं क्योंकि तो आप भागा दौड़ वाले बच्चे हो, पढ़ाई लिखाई करने से मतलब नहीं है, एक्स स्क्वायर अरे क्या टाइम चल रही है आज, लिख लो बढ़िया सा अपने सुंदर सुंदर हाथों से, एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स बराबर दो, माइनस का है बेटा तीन माइनस एक्स, ऐसा ठीक है ऐसा बिल्कुल बढ़िया हिंदी हो ना काफी, अब लगाना शुरू करो, इस वाले का कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सुन लो, कोष्टक में होता घात तो होती, घात तीन होती कुछ होता तो हर तक, जब कोष्टक नहीं आया है
मैं घात ऊपर लग गई एक कोष्टक पे, तो कुछ नहीं करना है, उसको उसी पे निकाल देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स, इस दो का गुणा इस तीन से कर दो और इस एक्स से कर दो। और सॉरी आपने आप हद बता दी। सुनो, जब इधर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह न लगा हो, कितना लगा होता है, प्लस लगा होता है, यहाँ प्लस लगा है छोटा। ठीक है, माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो कहता है माइनस होता है, दो का गुणा तीन से कर दो बेटा छः आएगा। कौन सर जी, ये छः कहाँ चले आए हैं आप भैया, पहाड़ा आता है वही है, दो का पहाड़ा पर तीन से ज्यादा लग जाए, दो किया छः, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है, क्यों इसका गुणा इससे करना था कर दिए, इस वाले का गुणा इससे कर दिया, माइनस का गुणा माइनस से करोगे प्लस आ जाएगा, दो का गुणा एक्स से होगा तो क्या आएगा, दो एक्स आएगा। तो सर जी कैसे आएगा नहीं पता चलता। देखो बेटा, दो का गुणा किससे करना है, एक्स से करना है, तो जो लोगों को एक साथ ही देना है। आया बात समझ, ये हुआ भैया, आगे आ जाओ जल्दी से। अब देखो ये इस तरफ है, इन्हें लाओ बराबर की इस तरफ, एक्स स्क्वायर इसी तरह है, माइनस का दो एक्स प्लस का छ माइनस का दो एक्स बराबर जीरो। ये दो ये छः कहे का था, माइनस का था, बराबर के इस तरफ आया है प्लस का हो जाएगा, प्लस का दो एक्स था इस तरफ आएगा माइनस का होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर आया उसी तरह, दो एक्स और दो एक्स क्या हो जाएंगे चार एक्स टोटल। कभी आप दो एक्स को दो एक्स से काट डालते हो, कभी ऐसा कर सकते हो भैया, उस बार वो एक प्लस का था एक माइनस का था, और इस बार प्लस के माइनस माइनस के दोनों, जब दोनों के चिन्ह समान हो तो मैंने क्या बताया जोड़ देना, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, अगर प्लस माइनस है और एक तरह का संख्या है तो काटना है, तो दो एक्स क्या हो गया माइनस का चार एक्स हो गया, प्लस का छः हो गया, बराबर में हो गया जी। अब कुछ नहीं करना, घात क्या है इसकी दो है, घात अगर दो है तो क्या है द्विघात संख्या है। नीचे लोग जो बढ़िया तो आपने सुन रहा है तो उसे सुनकर काफी हूँ, चूंकि एक समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस छः बराबर जीरो की अधिकतम घात, की अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या है बेटा, अधिकतम घात दो है, ये क्या होगा, ये होगा ये एक द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। ये लोग बढ़िया था, ये आया बात सामने आया ना, करते रहो एक तरफ देखोगे तभी आएगी मजा, अरे कम से कम एक तरफ देखो तो कर लोगे। इसको साफ कर देते हैं, नोट करने के लिए वीडियो को रोकना, नोट कर लेना, मैं स्क्रीन शॉट ले लिया करो, बाद में लिख लिया करो, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लिया करो और बाद में लिख लिया करो, कोई चिंता नहीं लगना। आगे आओ तीसरा सवाल देखो क्या है, तीसरा देखो ये भी बिल्कुल छोटा सा सवाल है, देखो क्या दिया है, एक्स माइनस दो, एक्स माइनस दो एक्स प्लस एक, एक्स प्लस एक बराबर एक्स माइनस एक, एक्स माइनस एक और एक्स प्लस तीन, ये दिया है करेक्ट है। ये बढ़िया सा छोटा सा प्यारा सा सवाल है, और सर जी आप तो बहुत बड़ी बड़ी बोल जाते हैं, तो बड़ी बड़ी नहीं है, है वास्तविकता में सर, तो आपके दिमाग में कठिन है तो आपको कठिन लगता है, तो मैं सभी बताता हूँ, कुछ नहीं बेटा मैंने बताया था पीछे वाले में, अगर कोष्टक है तो पूरा कराना है, इस पर वाले भी दोनों कोष्टक है, इस पर वाले भी दोनों कोष्टक है, जल्दी से लग गए हाथ पूरा करा, एक्स का गुणा एक्स से कराओ, एक्स के घर पर दो आएगा, और सर जी कैसे जब किसी संख्या के एक्स वाली के वाई वाली के घात में कुछ ना हो, एक्स आए वाई आए कोई चर संख्या आए तो क्या है, तो सोचिए चर क्या है, चर है पीछे की क्लास देखना, चर मैंने बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है, तो एक्स की घात एक है, एक्स की घात एक है, गुणा करोगे घात क्या होगी दो हो जाएगा, एक्स का गुणा एक से कर दो, पहले इसका ठीक है इससे कर दो,
एक सेकंड ना कोष्ट नहीं करना ऐसे ये तीर उंगला लगाना फिर एक मटर मारते इतना मार लाल हो एक्स का एक सेकंड पर ये क्या एक्स में दो का कर दो किससे एक्स से तो माइनस के दो का गुना प्लस के एक्स से करोगे तो माइनस का दो एक्स आ जाए ठीक है। दो का गुना एक से करो तो दो एक में दो आएगा कहे का माइनस प्लस माइनस सही है इधर बराबर आ जाओ जल्दी से जैसा मैंने गुना इस तरफ से है उसी तरह इस तरफ से कर दो एक्स का एक्स से करो एक्स की घात दो जैसे एक्स का एक्स से किए थे घात दो आई थी ठीक उसी तरह एक्स का एक्स से करो तो घात दो हो जाएगी एक्स का गुना तीन से कर दो क्या आएगा एक्स का गुना तीन से करोगे तीन एक्स आएगा कहे का प्लस क्यों यहाँ था प्लस प्लस आ गया ठीक है। जैसे दो का गुना एक्स से किए थे दो एक्स आया था ठीक उसी तरह से एक्स का तीन से वो तीन एक्स आया अब इस एक का कर दो एक्स से माइनस का एक्स आएगा ठीक है क्यों माइनस यहाँ है अब एक का गुना किसी संख्या से करोगे तो वही संख्या आएगी अगर ये एक्स एक का गुना किससे कर दो तीन से कर दो तो माइनस प्लस का गुना क्या होगा माइनस तीन ये आ गया ठीक है करेक्ट है ना करेक्ट है कि नहीं है इस तरह का ना बढ़िया से बाहर का दौड़ना कर सीधे दस दस ऐसे दाबते हो दस एक बार में हुआ तो दबाव का दौड़ ऐसे में सुन जवाब आता है एक तरफ से मोबाइल से बढ़िया रख लो पढ़ाई उसको कहते हैं मोबाइल से कि मोबाइल रखा बढ़िया आराम से कैसे देवता की तरह रखा है और बढ़िया चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं वीडियो देख रहे हैं तो आपको लगा रहे हैं और ये नहीं कि लिए मोबाइल इस तरह चल रहा है धक्का से ऐसे भी नहीं है इसको नहीं कहते पढ़ाई और इसी तरह में पढ़ाई नहीं होती इसी के चक्कर में पढ़ाई करने वाले बंदे को कहना थोड़ी पड़ता है। देखो आगे लिखो एक्स स्क्वायर का तो उसी तरह है इस दो एक्स से एक टू एक्स घट जाएगा सुनो कहें इस बार एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है तो दो एक्स से एक टू एक्स घट जाएगा जब किसी संख्या के आगे कुछ न हो तो मैंने क्या बताया एक होता है तो इस दो से एक घट गया तो एक बच्चा कहेगा जिस संख्या का चिन्ह आगे होगा बड़ी संख्या का वो चिन्ह लगा देंगे और इन दोनों एक्सों में से एक टू एक्स लिख दी लेकिन कभी भी एक बच्चे तो उसको लिखना नहीं पड़ा लग के रहना ये है माइनस का दो उसी तरह लिख दो क्योंकि इसके साथ ही नहीं है अभी इस तरह क्यों एक्स वाली संख्या एक्स वाले से जुड़ेगी घात दो वाली घात दो वाले से जुड़े घटेगी बिना एक्स वाली बिना चर अंग्रेजी अक्षर वाली बिना अंग्रेजी वाले अक्षर में जुड़े घटेगी ठीक है उनको जोड़ घटा दो बन गया एक्स स्क्वायर का साथ ही इस तरह भी नहीं है जो इसी तरह आएगा तीन एक्स से एक्स कर लेंगे क्यों इस बार तीन एक्स बड़ा है एक्स छोटा है तो ये एक एक्स है ना तो तीन से एक घटा दोगे तो दो बन जाएगा तो एक फिर एक्स आएगा तो प्लस कर जाएगा आया प्लस कह लगा है प्लस इसलिए कि ये प्लस का तीन बड़ा था इसलिए प्लस बना है उस बार दो बड़ा था इसलिए माइनस लगा माइनस तीन उसी तरह कर दो अब इन सब को लाओ इस तरफ जाकर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो ये वाई लाइन पहले उसी तरह आई एक्स स्क्वायर आया एक तरफ माइनस का हो गया ये आया माइनस का दो एक्स हो गया प्लस का तीन हो गया जब सभी विचार इस तरफ आ गए तो क्या होगा इस तरफ जीरो बचेगा ठीक है अच्छा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से जोड़ दो एक्स वाले से गिनती वाले को गिनती वाले ये दोनों कर जाएंगे कौन सा जी कैसे काटते हैं लाइन को इसकी घात दो थी इसकी घात दो थी इसके आगे माइनस था इसके आगे प्लस था जब संख्या एक तरह की हो चिन्ह अलग अलग हो तो क्या करते हैं काट देते हैं एक्स से दो एक्स जुड़ जाएगा क्यों क्यों जुड़ जाएगा इसका चिन्ह माइनस का है इसका चिन्ह माइनस का है इसलिए जुड़ेगा तो एक है ना यहाँ तो दो और एक क्या होगा तीन एक्स ठीक है माइनस माइनस जो है तो माइनस लग जाएगा भूल गया ना तुरंत कि सर जी ये एक कहाँ से आ गया मम्मा बताया ना कि जब कोई भी अंग्रेजी का अक्षर हो कोई गिनती ना हो उसके आगे तो गिनती एक होती है जब कोई चिन्ह ना हो तो प्लस का चिन्ह होता है ठीक है ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं और इसीलिए सवाल आपको नहीं आता ठीक है अच्छा ये हो गया अब देखो ये वाला निकल गया दोनों अब बचा तीन और दो तो तीन में से दो भर जाएगा क्योंकि तीन बड़ा है और दो छोटा है तो प्लस का एक बचेगा बराबर हो जाएगा जीरो
अब प्लस का तीन कहे बचा है दीजिए, प्लस का तीन फिर दो घर कहे जाता है, क्योंकि प्लस का तीन बड़ा था और दो छोटा था, और प्लस चिन्ह इसलिए बचा है क्योंकि तीन बड़ा था प्लस का था, इसलिए प्लस का तीन बना है। अब इसकी घात तो भैया दो है नहीं, घात दो नहीं है ना, मैंने बताया था द्विघात होगा कब होगा जब उसकी घात दो होगी, लेकिन इसकी घात क्या है, घात एक्स की घात क्या है, एक है ना, यहाँ जब कोई घात ना हो तो मैंने बताया एक है, घात एक है तो घात एक में थोड़ी घात एक होगा, वो सॉरी द्विघात होगा, तो लिख दोगे चूंकि समीकरण समीकरण माइनस तीन एक्स प्लस एक बराबर जीरो की अधिकतम घात घात क्या नहीं है, घात दो नहीं, दो नहीं है ना, दो नहीं है तो क्या होगा, दो नहीं है इसलिए यह एक एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। अगर घात दो होती तो होता तो घात, अगर नहीं होता नहीं। आप ये ना सोचो कि जल्दी तो उसकी अल्लाह को थी वो रिंग सीधा कर रहा है, अगर तो रिंग सीधा कर तो कहे भी नहीं देख रहे थे, ठीक है, पढ़ाई कह कर रहे हो रिंग्स में एडमिशन कराओ, ठीक है, तो कर लोगे अब स्क्रीन शॉट ले लिया करो, बाद में नोट करते रहना, पहले समझ लिया करो इत्मीनान से, जब एक दो दिन तीन दिन लगातार एक तरफ से देखोगे तो आएगा यार हर चीज़ का समाधान है इस दुनिया में, कोई ऐसी चीज नहीं है जो संभव ना हो करने वाले के लिए, ठीक है, चलो चलते रहो जल्दी जल्दी लेता ही जल्दी जल्दी चलते रहो, आगे आ जाओ इस चीज को आप देखते हैं क्या होता है। और लिखा गया सवाल तीसरा हो गया, चौथा करना, चौथा देखो, चौथा देखो क्या दिया है, एक्स माइनस तीन, एक्स माइनस तीन दो एक्स प्लस एक, दो एक्स प्लस एक बराबर है एक्स एक्स प्लस पाँच, एक्स एक्स प्लस पाँच ये करेक्ट है कि नहीं है, है ना करेक्ट, आगे जल्दी से फिर से वही काम करना शुरू कर दो बुला, ठीक है, पहले इस एक्स का इस एक्स से कर दो, फिर इस एक्स का एक से कर दो, करेक्ट कर दो, एक्स का टू एक्स से करोगे तो टू एक्स करेगा, क्यों, घात इसकी एक है, इसकी घात एक है, घात एक एक हो जाएगी दो, यहाँ पर एक है इस एक का इस दो से गुणा हो जाएगा, करेक्ट है, लेकिन एक लिखे नहीं जाते हैं याद रखें हमें, ठीक है, इसी तरह इस एक्स का एक से करोगे तो एक्स का नहीं एक्स आएगा कहेगा प्लस का आएगा, करेक्ट है, इस तीन से गुणा कराओ दो एक्स से और तीन कराओ एक से, तो तीन गुना होगा छः कहेगा माइनस का, क्यों माइनस यहाँ है प्लस यहाँ है, प्लस माइनस गुना होगा माइनस एक एक्स है तो एक्स लिखने को लिया था, इस माइनस का गुना प्लस के तीन एक से करोगे तो तीन करने तीन आएगा कहेगा माइनस का, क्यों माइनस प्लस गुना माइनस होगा तीन करेगा, अब इस एक्स का एक्स से कर दो, एक्स का पाँच से कर दो, एक्स का गुना एक्स से करोगे एक्स की घात दो आएगा, क्यों यहाँ घात एक है यहाँ घात एक है और घात एक एक गुणा करने में क्या होती है जुड़ जाती है, एक तो एक्स लिख दो और उनकी घात को जोड़ दो, एक्स का गुणा पाँच का दो तो क्या आएगा पाँच एक्स आएगा, टीचर इस पाँच का गुणा एक्स से हुआ है मतलब यहाँ एक है तो पाँच करने पाँच हो गया और ये वाला एक्स आ गया इस तरह, ठीक है, इतनी ना देखो ना बेटा सवाल आने लग रहा, तुम लोग देखते नहीं हो करते नहीं हो इसमें नहीं आते, अब देखो जोड़ घटा लो पहले, दो एक्स स्क्वायर उसी तरह आया, ठीक है, छः एक्स से एक एक्स घट जाएगा, क्यों घट जाएगा, ये था माइनस का छः एक्स और ये था प्लस का एक एक्स, छः एक्स में एक एक्स घट गया तो माइनस का क्या आ गया पाँच एक्स आ गया, माइनस का तीन हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का पाँच एक्स बराबर में जीरो, करेक्ट है, ठीक है, आएगा आ जाओ दो एक्स स्क्वायर से एक एक्स को घटा दो, दो एक्स स्क्वायर है बड़ा एक एक्स स्क्वायर है छोटा, क्या हो जाएगा घट जाएगा तो एक छोटा बच जाएगा एक्स स्क्वायर बच जाएगा, कैसे फिर सुनो इसमें दो है इसके आगे एक है,
ये दो बड़ा है एक छोटा है, दो से एक घटा दी हो एक बन गया, दोनों लक्ष्य करने से एक लक्ष्य बन गया, एक न यहाँ लिखा जाएगा ना यहाँ लिखा जाएगा, ऐसा आपका पर्व है। अगर आपको सवाल एक नहीं आता ना तो आप क्या किया करो एक तरफ से बढ़िया सा कर लिया करो, जो दो चार दस सवाल पर होने बनते पाँच एक्स से पाँच एक्स मिल जाएगा, क्यों ये था माइनस का पाँच एक्स, ये भी था माइनस का पाँच एक्स, हो जाएगा दस एक्स, पाँच पाँच दस एक ही अच्छा था, माइनस का तीन बराबर हो गया जीरो, करेक्ट करेक्ट है ना। अच्छा इसकी घात क्या है, दो है घात, अगर दो है तो क्या है दो घात संख्या है लिख दोगे, चूँकि एक्स स्क्वायर, अच्छा देखो चूँकि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स माइनस तीन बराबर जीरो की अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या है दो है, अगर दो है तो क्या, इसलिए यह एक द्विघात, द्विघात समीकरण है, ऐसा ठीक है आएगा कल होगा ना आपके धन को, तो एक तरफ से एरे भी गया एक तरफ से देख रहे हो दो चार दिन तो आने लगेगा, ठीक है अगला करें आप कल होगा ना, इसी तरह प्रोजेक्ट किया करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो सवाल है हर बार आया नहीं जाता कि सर मुझे आ नहीं रहा, ये भागते दौड़ते रोज भी नहीं आता बेटा, करोगे रोज तो आएगा। देखो एक सवाल फिर से दिया है, दूसरा तीसरा था फिर था नहीं पाता, ठीक है देखो मैं लिख रहा हूँ चार हो गए ना पाँचों लग रहा है, ठीक है लिखता हूँ मैं पाँचवा, देखो पाँचवा सवाल क्या है, अभी सभी दूसरे क्या चल रहे हैं, देखो क्या दिया पाँचवा में दो एक्स माइनस एक इसमें दिखता नहीं उस चार से दिखता नहीं, दो एक्स माइनस एक ये दिया एक्स माइनस तीन ये बराबर एक्स प्लस पाँच और एक्स माइनस एक, ये सवाल दिया है जैसा मैंने तीसरा किया सेम टू सेम करना, कैसे गुणा करा क्यों गुणा करना है, क्योंकि इस तरफ भी दो पोस्ट है इस तरफ भी दो पोस्ट है, दोनों को गुणा कराओ उतर उतर जाए, दो एक्स का एक्स से कर दो दो एक्स स्क्वायर होगा, दो एक्स का गुणा तीन से कर दो तीन दो के छः हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है माइनस आ जाएगा ये वाला एक्स आ जाएगा, करेक्ट है। अब इस एक का गुणा एक्स से कर दो माइनस का एक्स आ जाएगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस एक का गुणा एक्स ये एक्स माइनस माइनस का गुणा प्लस और एक का गुणा तीन से तीन आ जाएगा, प्लस कहाँ से आया, जब बेटा माइनस का गुणा माइनस होता तो प्लस आता है, प्लस का गुणा प्लस से होता तो प्लस आता है, अगर माइनस का प्लस से करोगे तो माइनस, माइनस का प्लस करोगे तो माइनस, ठीक है याद रखने में। जैसे मैंने इस तरह बारी के गुणा कराया ठीक उसी तरह आप भी कर दिए, फिर से एक बार समझाता हूँ, दो एक्स का एक्स से करोगे दो एक्स करोगे, दो एक्स का तीन से करोगे छः एक्स है, सही है एक का एक्स से किए एक्स आ गया और एक का तीन से किए तीन आ गया, करेक्ट है। इसी तरह इसमें जो एक्स का एक्स से कर दो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स का एक से कर दो माइनस का एक्स आ जाएगा, प्लस यहाँ था और माइनस यहाँ है प्लस माइनस गुना माइनस हो जाएगा, एक्स करने एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जैसे हमने एक्स का एक्स से एक्स का एक्स किए उसी तरह आपको पाँच का एक्स करना है और पाँच का एक करना है, हर बार वही सवाल कराता हूँ, प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा पाँच करने पाँच होगा और ये वाला एक्स आ जाएगा, करेक्ट है।
पाँच का एक से करो माइनस का पाँच आ जाएगा, प्लस माइनस बोला माइनस का चलिए पाँच का बता करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। आ जाओ इनको सबके पहले दो घटा लो फिर इनको इस तरह किया एक्स टू एक्स पर उसी तरह आया, छः और एक हो गया सात एक्स माइनस का छः एक्स माइनस का एक एक्स माइनस माइनस दूर दे दो सात एक्स आ गया, तीन उसी तरह मिलते वही ये लो बराबर लगा दो एक्स स्क्वायर उसी तरह लिख दो और ये वाला माइनस एक्स प्लस के साथ एक्स से क्या होगा घट जाएगा, तो प्लस वाले से माइनस वाला घट जाएगा तो प्लस का क्या है चार एक्स लग जाएगा भाई, यहाँ पर एक लिखा था ना इस एक्स के बगल में एक था तो पाँच से एक घट गया चार आ गया और एक जो एक्स आ गया दोनों में से और प्लस का चिन्ह इसलिए क्योंकि पाँच बढ़ गया माइनस का पाँच उसी तरह कर दो। अब ले आओ उसको इस तरह दो एक्स स्क्वायर पहले लिखो माइनस का सात एक्स कर दो प्लस का तीन इस तरह फाया माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस का चार एक्स हो गया और पाँच जब इस तरह फाया तो प्लस का हो जाएगा बराबर हो जाएगा जी जोड़ घटा लो इसको बढ़िया का दो घर एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो बचेगा एक तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बच जाएगा भाई दो एक्स स्क्वायर प्लस का था एक्स माइनस का बड़ा छोटा था तो दो एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर घट गया तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बच गया करेक्ट है। सात में चार जुड़ जाएगा माइनस का ग्यारह एक्स हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का चार माइनस का सात था माइनस का चार था दोनों जुड़ गए सात चार ग्यारह हो गया एक्स एक्स से एक्स आ जाएगा सही है। अच्छा बेटा तीन और पाँच जुड़ जाएंगे ये हो जाएगा आठ बराबर हो जाएगा करेक्ट है। अगर इसकी घात दो हो तो क्या है यह एक तो घात संकलन है क्योंकि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह एक्स प्लस आठ बराबर जीरो की अधिकतम घात अधिकतम घात क्या है अधिकतम घात दो है, अगर अधिकतम घात दो है तो क्या है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है, अगर ये द्विघात है करेक्ट है ना आएगा इस तरह का बिल्कुल ठीक कर लो मैम दो तीन और बचे हैं उनको भी कर दिया जाए तीन तो बचे हैं उनको भी कर लें देखो अगला क्या दिया छठवां देखो क्या दिया दो एक्स ना एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक बराबर एक्स माइनस दो का स्क्वायर। अब देखो आया ना एक सूत्र इस तरह इससे कुछ नहीं बोलना इसको उसी तरह उतारना है इसको उसी तरह उतार दो भैया ये लो इसको देखो ये देखो लिखा है हमारा ए माइनस बी मतलब ये एक्स माइनस दो जो है एक्स आगे वाली संख्या ए है पीछे वाली बी है बिल्कुल माइनस है कोष्टक है और उसका लगा ऐसा देखते इसका सूत्र मेरे को ये मिल रहा है इसमें सेट करना है ठीक है। तो इसका सूत्र क्या है ये है मैं अभी बता रहा हूँ आपको लिखना क्या है लिखना इतना काम कर जाएगा ठीक है। तो पहले क्या है ए है एक घात दो एक जगह एक्स है तो क्या हो जाएगा एक्स एक घात दो हो जाएगा माइनस है माइनस लगाओ दो सूत्र का है ये देखो जो लिखा है सूत्र में दो लिख दो ए है ए की जगह एक्स लिख दो बी है बी की जगह दो लिख दो प्लस ये वाला बी की जगह दो है दो रख लो इसका लगा है इसका लगा है दो का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ठीक है। इसको हल कर दो इसका तो कुछ नहीं होना उसी तरह आना है एक्स स्क्वायर प्लस का तीन एक्स प्लस का एक बराबर एक्स स्क्वायर है ना ये इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दो दूनी चार एक्स उसी तरह है आया दो का स्क्वायर हो गया चार
करेक्ट है, इनको ले आओ इस तरह एक्स स्क्वायर ये आया उसी तरह तीन एक्स प्लस का एक उसी तरह ये एक्स स्क्वायर ये वाला इस तरह आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का चार है प्लस का चार एक्स हो जाएगा प्लस का चार है इस तरफ आएगा माइनस का चार हो जाएगा बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि क्या है दोनों एक जैसे हैं आप एक में प्लस और एक में माइनस में कट जाएंगे तीन एक्स में चार एक्स मिल जाएगा सात एक्स हो जाएगा क्यों क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है तीन और चार सात हो गए दोनों में से एक सौ एक्स आ गया प्लस एक और चार चार में से एक को घटा दो क्या बनेगा तो माइनस का तीन बचेगा है ना क्योंकि चार चार के आगे तीन तीन लगा माइनस का और चार में से एक घट जाए क्योंकि एक प्लस का है और चार माइनस का है बराबर हो जाएगा जीरो। अब इसकी घात दो नहीं है ना उसमें दो घात नहीं है लेकिन नीचे क्योंकि क्योंकि समीकरण सात एक स्क्वायर माइनस तीन बराबर जीरो एक अगर की अधिकतम घात की अधिकतम घात अधिकतम घात दो नहीं है अगर दो नहीं है तो क्या है भैया दो नहीं है तो क्या कर दोगे नीचे ले देते दो नहीं है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं क्योंकि कर लोगे इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब भी देखिए एक तरफ से देखिए का मतलब बीच बीच का न देखिए एक तरफ से देखिए शॉर्ट सॉल्व अच्छे से समझा रहा हूँ इसमें ठीक है बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि सबको आए मसला देखो दो और बच्चे हैं पूरी करा दी सातवां नंबर का दिया है एक्स प्लस तीन का स्क्वायर नहीं क्यूब है एक्स प्लस दो है एक्स प्लस दो का क्यूब बराबर दो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का एक ठीक है देखो इस बार स्क्वायर आता है बेटा इस बार क्यूब आया है ना मेरे को क्यूब लगा है देखो एक क्यूब वाला सूत्र ए प्लस बी या एक्स प्लस बी प्लस मिल रहा है अगल बगल संख्याएं हैं ऊपर क्यूब है ये वाला सूत्र है ठीक है इसमें सब करना है एक ये सूत्र है एक की जगह मुझे एक्स रखना है बी की जगह दो रखना है तो रखो ए क्यूब है तो यहाँ एक्स का क्यूब हो जाएगा भाई ए की जगह क्या है ए की जगह एक्स है अभी की जगह दो है प्लस लगा है सूत्र में प्लस लगा दो बी की जगह दो रख दो क्यूब लगा दो प्लस तीन कर दो ए की जगह फिर से एक्स कर दो बी की जगह दो कर दो प्लस ना प्लस नहीं कोष्ठक बताएगा क्या हो जाएगा एक्स प्लस का दो ये हो गया ठीक है सुनो फिर ये था बेटा हमारा एक्स ये था एक्स सॉरी ये था ए एक्स की जगह ना एक्स की जगह ए है और दो की जगह बी है कोष्ठक लगा है इसमें सवाल में क्यूब लगा है ऐसा है इसका सूत्र ये लिखा है जहाँ ए था वहाँ हमने एक्स रखा है जहाँ बी था वहाँ दो रखा बाकी सूत्र इस तरह है बराबर की इस तरह हो क्या है बेटा दो एक्स का गुणा इससे कराओ और दो एक्स का इससे कराओ क्यों क्योंकि कोष्ठक है एक संख्या बाहर मैंने बताया था कोष्ठक अगर बंद है और कोई घात नहीं लगी है तो क्या करना है गुणा करना है अगर कोष्ठक न होगा कोई संख्या ना होगी तो उसी तरह बता दी ठीक है दो एक्स का इससे होगा देखो इस बार घात एक इसकी है दो इसकी है घात क्या हो जाएगी तीन हो जाएगी घात एक और दो क्या हो गई तीन गुणा घात लिखती है ना यहाँ एक है इस दो का गुणा एक हो गया तो दो आ जाएगा फिर दो एक्स का गुणा एक से करोगे दो एक में दो आएगा माइनस का क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है माइनस में दो एक्स हो जाएगा करेक्ट है उनका कोष्ठक हटा लो एक्स का क्यूब बेटा एक्स क्यूब होगा अगर इस पर होता तो इस पर लगा देते ठीक है दो के घाते तीन के हमारे पास होंगे दो के घाते तीन है मतलब बेटा ये हुआ कि दो गुणे दो ऐसे तीन बार जिस संख्या के घात में जितना लगा होगा उसका गुणा उतनी बार करना ऐसा ना कर देना कि दो का गुणा तीन से कर दो छः आ जाएगा गलत हो जाएंगे इसमें ठीक है क्या करना है दो का गुणा पहले दो से करो चार फिर चार का गुणा करो इस दो से आ जाएगा आठ मतलब दो का क्यूब क्या होगा आठ गुणा प्लस लगा दो
तीन का गुणा इस दो से करो, छः आएगा, एक्स है एक्स लिख लो, ठीक है, एक्स प्लस दो को उसी तरह लिख दो, बराबर वाली संख्या का हर करके क्या है, इसको भी उसी तरह निकाल दो भाई, यहाँ पर माइनस का दो एक्स कर दो, ये हुआ बेटा, आओ जल्दी से इसको मिटा दें। अब देखो यहाँ पर एक कोष्टक बचा है, इसका इससे गुना इससे का इससे गुना, इसको उतारो पहले उसी तरह, एक्स क्यूब प्लस का आठ प्लस छः एक्स का गुना एक्स से होगा, एक की घात एक इसकी घात एक तो हो जाएगा एक्स की घात एक दो, और यहाँ एक है यहाँ छः है तो छः करने छः हो जाएगा, प्लस प्लस का गुना प्लस हो जाएगा, छः दूनी बारह हो जाएगा, एक्स हो जाएगा करेक्ट है, माइनस दो एक्स का क्यूब करेक्ट है, और प्लस का दो एक्स हो जाएगा बराबर में आएगा जीरो, इतना सही है। देखो ये दो एक्स क्यूब कहा का था प्लस का था, इस तरह माइनस हो गया, माइनस का दो एक्स का प्लस का दो एक्स हो गया, सही है। अच्छा देखो एक्स क्यूब का साथ ही ये बैठा है, एक्स क्यूब वाले को स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ, बिना स्क्वायर वाले को बिना स्क्वायर वाले के साथ जीरो बता दें, तो तीन यहाँ घात है, यहाँ तीन घात है, लेकिन इसके आगे माइनस है उसके आगे प्लस है, तो घट जाएगा, दो में से एक घटाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ एक लिखा है, मैंने पीछे जो बताता चला आया था, तो दो से एक घटा दोगे माइनस का एक्स क्यूब बचेगा, सही है। अब देखो स्क्वायर वाले को देखो, एक्स स्क्वायर है नहीं पर भरा है, और कहीं इसको उसी तरह उतार दो, अगर और कोई साथी होता तो जोड़ते घटाते इसको, ये हो गया, बिना स्क्वायर वाले को देखो बारह एक्स और दो एक्स, तो बारह दो चौदह एक्स हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब आठ का साथी नहीं है, आठ को भी करो कर ऐसे बराबर कर दीजिए। अब सुन लो बेटा ध्यान से, इसकी भी घात दो नहीं है, घात का है तीन है, तो तीन से मतलब नहीं है, और तीन नहीं है तो तीन है तो क्या है, दुर्घात थोड़ी है, दुर्घात संख्या नहीं, अगर तीन घात आ गई तो संख्या दुर्घात नहीं है, तो क्या लिख दोगे, चूंकि चूंकि समीकरण माइनस एक्स क्यूब प्लस छः एक्स स्क्वायर प्लस का चौदह एक्स प्लस का आठ बराबर में जीरो, क्या बराबर में जीरो क्या है, यह की अधिकतम घात घात दो नहीं बल्कि क्या है, तीन है तो तीन से मतलब नहीं है, हमें दो चाहिए, दो नहीं है बस। अब घात तो दो है, सुनो घात तो दो है, लेकिन घात तीन लिए है ना, इसलिए नहीं लिखोगे, ठीक है, घात दो नहीं बल्कि तीन है, जिस समीकरण में सबसे बड़ी घात होती है वो होती है, बल्कि छोटी वाले के कोई डर नहीं होते, तो दो नहीं है, ठीक है, तो क्या है, इसीलिए यह है एक घात कॉपी में बात नहीं लिखनी होती, इतमान से किए जाते हैं सवाल, तब आएंगे बेटा बता दो इसको में कर पाओगे, एक और बचा है उसको भी करा दो, देखो दिया है एक्स क्यूब माइनस चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एट बराबर एक्स माइनस दो का क्यूब, ठीक है, पीछे वाले सवाल में सेम सवाल संख्या लिखी थी, सेम टू सेम लिखा था, अंतर क्या था, उसमें एक्स प्लस दो का क्यूब था, और इसमें क्या है एक्स माइनस दो का क्यूब है, वो आगे था और जिस तरह की संख्या पीछे थी, इस बारे में पीछे सेम उसी सवाल है, आगे वाले को उतार के बढ़िया उसी तरह एक्स क्यूब माइनस चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का ए, इसका कर दो क्यूब, ये लिखा माइनस वाला सूत्र, ए माइनस बी का क्यूब एक्स माइनस दो का क्यूब, ठीक है, इस वाले में शिफ्ट कर दो, ए की जगह रख दो एक्स बी की जगह रख दो,
जिस तरह मैंने पीछे वाले को समझाया है उसी तरह करना है। हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस दो का क्यूब, ठीक है, माइनस तीन ए की जगह एक्स, बी की जगह दो, एक्स माइनस दो, इस तरह, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे रखता हूँ, आप एक तरफ से लिखना, ठीक है। देखो ये सिर्फ था ए की जगह मैंने एक्स रखा है, क्यूब लगा था क्यूब लगाया है, माइनस था सूत्र में माइनस लगा दिया है, बी का मान था तो दो रख दिया है, क्यूब था सूत्र में क्यूब लगाए हैं, माइनस तीन उसी तरह ये भी गया, ए बी है ए की जगह एक्स, बी की जगह दो, ठीक है। पोस्टर में ए माइनस बी है और एक्स माइनस दो उसी तरह, ठीक है। कर पाओगे इसको देखो फिर से उसी तरह उतार दो, एक्स क्यूब माइनस चार एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का एक बराबर एक्स क्यूब माइनस दो को क्यूब कर बता थे पीछे आठ, तीन के गुणा दो से करो छः, ये वाला एक्स, ये एक्स माइनस दो उसी तरह उतार दो, ठीक है। अभी फिर से पोस्टर बचा है, इस पोस्टर को भी हटाओ, फिर कुछ भी लिखो एक्स क्यूब माइनस चार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक बराबर एक्स क्यूब माइनस आठ माइनस छः एक्स। देखो गलत हो गया, देखो थोड़ी देर समझना अच्छे से, उस बार क्या किए थे पोस्टर बनाने, इस छः एक्स का गुना इस एक्स से और इसका एक बार इस दे, तो छः एक्स का एक्स भी करोगे छः एक्स करेगा, जैसे इसमें घात एक इसमें घात एक घात हो गई दो, छः का गुना यहाँ एक से वो यहाँ एक लिखा है ना, तो छः आया, ये माइनस ये वाला यहाँ प्लस होता है तो प्लस माइनस पर छः आएगा, अब ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, छः एक्स का गुना दो जोड़े तो छः गुना बारह और ये वाला एक्स उसी तरह, इनको ले आओ भैया इस तरफ, तो ये पहले उसी तरह कर जाएगा एक्स क्यूब माइनस चार एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का एक माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस का आठ, ये माइनस का एक्स क्यूब इस तरफ होगा, आठ था माइनस का इस तरफ प्लस का होगा है, ये माइनस का है इस तरफ आएगा प्लस का छः एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा बारह एक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जीरो। कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, करोगे जोड़ घटा दो, देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कर जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, एक तरह के हैं दोनों, अगर कोई संख्या ये अगर उसमें होती है तो उसमें होती तो कटता नहीं घट जाता, यहाँ चार एक्स स्क्वायर है यहाँ छः एक्स स्क्वायर है तो छः एक्स स्क्वायर से चार एक्स स्क्वायर घट जाएगा क्योंकि दोनों चीज अलग अलग हैं, ठीक है। छः में से चार गया दो और दोनों में से एक को एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे एक्स और बारह दोनों माइनस माइनस के हैं तो यहाँ बारह एक्स है और यहाँ एक एक्स है तो बारह और एक क्या हो गया तेरह, एक टू एक्स हो गया, एक और आठ क्या हो गया है करेक्ट है बराबर हो गया जीरो, ये भी क्या है घात इसकी दो है तो दो घात है नीचे लिख दो, चूँकि दो एक्स स्क्वायर माइनस तेरह एक्स ऐसा सही करने के लिए करें, यहाँ पर थोड़ी सी लिख देंगे समीकरण समीकरण दो एक्स स्क्वायर माइनस तेरह एक्स प्लस नौ बराबर जीरो की अधिकतम भाग की अधिकतम भाग अधिकतम भाग भाग दो है, अगर दो है भाग तो क्या है दो है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी सवाल बढ़िया समझ आए होंगे, यदि आपने एक तरफ की क्लास को देखा होगा और यदि फिर भी नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, और यदि आप पहली बार आए थे हमारे चैनल में और क्लास को देखे हैं एक तरफ से और यदि आपको एक भी सवाल करने आया है तो आप लाइक कीजिएगा, और यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्लास के मित्रों को जरूर बताइएगा इस चैनल